सो राइनोप्लास्टी के लिए आप कैसे प्लास्टिक सर्जन चूज करें, कैसे एक डॉक्टर चूज करें? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर नोज जो है वो यूनिक होती है, हर राइनोप्लास्टी की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी नोज में कुछ अलग तरह के मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं, किसी नोज में कुछ अलग तरह के मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके डॉक्टर हों, जो आपके प्लास्टिक सर्जन हों, वो आपके इन इश्यूज़ को अच्छे से समझें, वो एक क्वालिफाइड और बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो और राइनोप्लास्टी में एक्सपीरियंस्ड हो, सो दैट वो इन सब कंसर्न्स को, इन सब इश्यूज़ को एज अ कंपोनेंट, एज अलग अलग कंपोनेंट्स की तरह से वो एड्रेस कर सके। और एक एक कंपोनेंट को जब वो करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, तो जब नोज़ की जो फाइनल शेप आती है वो काफ़ी अच्छी आती है और राइनोप्लास्टी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आपके जो भी राइनोप्लास्टी सर्जन हो वो एक्सपीरियंस्ड हो और बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट राइनोप्लास्टी का अचीव कर सकें। राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।